अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और आपका रमज़ान भी अच्छा गुजर रहा होगा। आज मेरे घर में बन रहे हैं कीमा करेले, मेरे तो बहुत फेवरेट हैं और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद हैं, तो उम्मीद है कि आप लोगों को भी कीमा करेले बहुत पसंद होंगे। चलें बनाना शुरू करते हैं, मैं अपने तरीके से कैसे बना रही हूँ। करेले लिए हैं 1.5 किलो, इनको अच्छी तरह से नमक लगा कर धो कर बारीक काट के मैंने इनको फ्राई कर लिया है। ये देख सकते हैं आप, गोल्डन फ्राई, ठीक है। ये जी, ये प्याज और लहसुन आप देख रहे हैं मैं डाल रही हूँ, और कीमा जो है वो 1.5 kg, यानी कि 1.5 किलो कीमा लिया है, बकरे का या आप बीफ कीमा ले लें। और इसके बाद मैं इसको हंडिया में 1 से 1.5 गिलास पानी डाल के रखती हूँ। चीज़ें साथ अंदर प्याज लेके मैंने इनको काट लिया है, और ऑलमोस्ट इसकी ये वाली थिकनेस जो है ना, आप ये देखें इतनी थिकनेस रख लें। अच्छा जनाब, यहाँ पे अनियन का कलर जो है वो चेंज हो रहा है, और आपने इसको हल्की आंच पे थोड़े से ऑयल में इसको इस तरह से ट्रांसलूसेंट कलर कर लेना है, और आप देखेंगे कि बस ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। बाद में हम करेले और प्याज को इकट्ठा कीमे में डालेंगे और फिर दम लगाएंगे। कीमे का पानी बिल्कुल हो चुका है खुश और कीमा भूनने वाली स्टेज पे आ चुका है। मैं इसमें 1/2 कप के करीब ऑयल डालूंगी, और उसके बाद डालूंगी, और साथ में ये टमाटर ऐड कर रही हूँ, ठीक है, और 2 अदद हरी मिर्च। टमाटर भी 2 हैं दरमियाने साइज के, मैंने डाल दिए, और कीमे को ऑयल डाल के अच्छी तरह से भूनने लगेंगे। मसाले ऑलरेडी हम ऐड कर चुके हैं। अच्छे से हमने भून लेना है, ठीक है, टमाटर और कीमे के साथ भून जाएगा, ठीक है। और फिर हम इसको कढ़ाई में निकाल के इसमें शिफ्ट कर जी। तो हमारे प्याज देखें इस तरह से हो गए हैं, ये भी नाइसली डन हो चुके हैं, और मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, ये मैं इसमें करेले शामिल कर रही हूँ, ठीक है, ये सारे करेले इसमें डाल दिए, और आप यहाँ पे कीमा करेले को दम लगाएंगे। मज़ेदार कीमा करेले तैयार हैं। आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। सब्सक्राइब टू माय चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।